तो हे गाइस वेलकम बैक हो चुका है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज इस वाली वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं फिर से एक और बार माइनक्राफ्ट। यहाँ पे हम लोग दोबारा से आ चुके हैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर और यहाँ पे मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया हूँ। और ये वर्ल्ड बिल्कुल भी एक नॉर्मल वर्ल्ड मत समझना भाई, ये वर्ल्ड थोड़ा सा डिफरेंट वर्ल्ड है। तुम लोग बोलोगे डिफरेंट कैसे है, तो तुम्हें बताता हूँ ये वर्ल्ड डिफरेंट कैसे है। जो तुम्हें दिख रहा है एकदम ही नॉर्मल प्यारा सा वर्ल्ड है, सारे के सारे विलेजर्स यहाँ पे तुम्हें घूमते हुए दिख रहे हैं। विलेज है इस वर्ल्ड में, मौसम भी अच्छा ही है। तुम लोग बोलोगे वर्ल्ड डिफरेंट क्यों है, मैं डिफरेंट भी नहीं बोलूंगा, ये वर्ल्ड सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रखा है। गोलम की वजह से नहीं, गोलम तो बेचारा अपना क्यूट सा है, जो एक्चुअल रीजन है उस वर्ल्ड में बहुत ही खतरनाक सा एक वायरस फैल चुका है, एक प्लेग फैल चुका है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्ट करने वाला है। लिटरली भाई इस वर्ल्ड के अंदर एक प्लेग फैल चुका है। और तुम्हें सच बताऊं वो प्लेग निकला कहाँ से है, वो प्लेग निकला है इस फैक्ट्री से। तुम लोग पीछे देख रहे हो वो जो फैक्ट्री है वो अबैंडन कर दी जा चुकी है, उसके अंदर प्लेग फैल चुका है एंड अब उस फैक्ट्री से प्लेग इस वर्ल्ड में फैलेगा और बढ़ता ही चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी करके 100 डे सर्वाइव करने हैं एंड यहाँ पे मुझे ड्रैगन को डिफीट करना है। गाइस रेडी हो जाओ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि इस वाले वर्ल्ड में कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला। प्लेग फैल चुका है इस पूरी पूरी फैक्ट्री में और वो बाहर निकल निकल के आ रहा है और मुझे लग रहा है वो उस प्लेग को ना यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। ये वर्ल्ड मैंने अभी कुछ देर पहले डाउनलोड किया था तब ये फैक्ट्री के सेकंड फ्लोर तक तो पहुंचा भी नहीं था, अभी भाई ये तो टॉप फ्लोर तक भी पहुंच गया है। तो भाई जितनी स्पीड से प्लेग फैल रहा है ना, मुझे लगता नहीं है 2-3 दिन के अंदर ही यहाँ पे पहुंच जाएगा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे अगर प्लेग फैले उससे पहले मुझे अपने आपको रेडी करना पड़ेगा और रेडी करने के लिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वो है हमारा पेड़ तोड़ना। भाई किसी भी वर्ल्ड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चाहे प्लेग फैल रहा हो, आसमान से मीटियोर्स गिर रहे हो। मीटियोर्स गिर रहे हैं, आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने बोला आसमान से मीटियोर्स गिर रहे हैं, पर सच में गिर रहे हैं क्या? व्हाट द हेक भाई, लाइक मुझे नहीं सच में पता, सच में नहीं पता मुझे, नो आइडिया ब्रो, नो आइडिया। मैंने यहाँ पे आवाज सुनी है फूटने की, कुछ तो फूट रहा था वो। नहीं नहीं मैं फैक्ट्री के पास नहीं जा रहा, ना 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 भाई मैं अभी फैक्ट्री के पास नहीं जा रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हजार्ड सूट भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, मेरे पास आर्मर भी नहीं है, मैं अभी नहीं जा रहा। पर पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा साउंड आ रही थी यहाँ पे, कुछ तो धमाके हो रहे थे। लाइक सीरियसली ब्रो आई हैव नो आइडिया कहाँ धमाके हो रहे हैं, वो शायद जमीन के अंदर हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं। पर शायद क्रीपर फट रहा है, पर क्रीपर क्यों फटेगा जब मैं यहाँ पर हूँ, तो क्रीपर कैसे फट सकता है? नहीं भाई वो क्रीपर नहीं है, वो तो कुछ और ही सीन लग रहा है मुझे, मैं देखता हूँ एक बार देखो जरा क्या हो क्या रहा है भाई। लाइक ब्रो आई हैव नो आइडिया भाई वो क्या रहा है, सच बताऊँ बिल्कुल नहीं पता मुझे धमाका कहाँ से हुआ। मतलब इस वर्ल्ड ने ना आते ही शुरू कर दिया अपना खेल रचाना भाई। तो यहाँ पे लगाई क्राफ्टिंग टेबल, ये लगाई हमने स्टिक्स और यहाँ पे बनाते हैं फटाफट से एक पिकैक्स, फटाफट से अपग्रेड लेते हैं एक 1 2 3 तीन का हम लोग। मुझे सही में लगा था साइड में वो ब्लैक ब्लैक की वजह से कि कोई है वहाँ पर। पहले ना यहाँ पे फटाफट से अपनी बेसिक चीज़ें तैयार करता हूँ एंड देन ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता हूँ, आर्मर वार्मर जमा करता हूँ एंड देन उसके बाद देख के आते हैं फैक्ट्री में हो क्या रहा है। क्योंकि भाई लोगों ने वो फैक्ट्री अबैंडेंट कर ही दी है, उसको तो भाई हाई अलर्ट पर रख ही रखा है इन लोगों ने। तो बस मुझे वहाँ पर ना बहुत संभल के और बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो सकती है वो, मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना पड़ेगा। सबसे पहले मैं थोड़े से बेसिक टूल्स बना लेता हूँ, सब कुछ बन ही चुका है मेरा, एक एक्स और रह गई है फिर बना लेते हैं। एंड खाना पकाने के लिए एक फर्नेस भी मैं बना ही लेता हूँ, एक से काम हो जाएगा, एक बहुत रहेगा, एक बना लिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोल भी जमा कर लेता हूँ क्योंकि भाई कोल मिला है अपने को, तो कोल रख लेते हैं। मुझे लग रहा है आई थिंक अगर मैं नीचे जाता हूँ ना तो मैं नीचे नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ नीचे, क्यों जाता हूँ नीचे? नो ये क्या है, ज़ॉम्बी तो नहीं है ये कुछ और चीज़ है भाई, इसको वायरस लग गया है मुझे लग रहा है, ये ज़ॉम्बी था इसको वायरस लग गया और ये बन गया म्यूटेटेड ज़ॉम्बी या फिर वायरस वाला प्लेग वाला ज़ॉम्बी बन गया भाई ये। भाई मुझे नीचे आयरन दिखाई दे रहा है यार, पर रिस्क भी बहुत ज्यादा है, पर मैं कोल तो ले सकता हूँ, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, होपफुली बस ये बंदा उड़ के ना आ जाए मेरे पास। तुम लोग देख रहे हो इसका चलने का तरीका बदल चुका है और इसके ऊपर कुछ तो ना फंगस टाइप की या फिर कुछ इन्फेक्टेड चीजें लग चुकी हैं और इसके घास उग रही है भाई पीठ पर, मिट्टी मिट्टी से घास उगती है भाई, इसकी पीठ में मिट्टी लगा दी किसी ने, मट्टी पलित हो गई इसकी। भाई भाई क्या बड़े ओके तो यहाँ फटाफट से ना कोल ले लेते हैं, तो कोल भाई बाद में काम है, अब एक कोल है यार क्या बाद में काम है, कसी टॉर्च ही बना देता हूँ, स्टिक भी नहीं है मेरे पास। ओके तो मुझे वहाँ पे आयरन दिख रहा था, मैं जा रहा हूँ आयरन के पास क्योंकि आयरन तो चाहिए भाई, अगर मुझे उस फैक्ट्री के पास जाना है एंड वहाँ पे मुझे अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है कि वहाँ हुआ क्या है, चेक तो करना ही पड़ेगा ना कम से कम, नहीं तो कि भाई हुआ क्या और देखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक अच्छा आर्मर चाहिए होगा। नीचे जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, पता नहीं क्यों जा रहा हूँ मैं नीचे भाई, मेरे को लालच ना कभी डुबाएगा, मेरे को बता रहा हूँ ये लालच करना बहुत बुरी बला है भाई। मैंने वो ज़ॉम्बी देखा था भाई, मुझे मार भी देगा, मेरे पास खाना भी नहीं है यार, कम ऑन यार मैं क्यों आया था यहाँ पे। अच्छी बात पता है क्या है, वो सिर्फ अकेला है, अगर वो बाई चांस आ भी जाता तो हम लोग उसे लपेट सकते हैं, पर अगर उसके साथ बहुत सारे बंदे हुए तो फिर दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आयरन है कितना अभी भाई, सिर्फ 2 आयरन था क्या? ओके हम लोग आ चुके हैं ऊपर की तरफ, लेट्स गो सेफ एंड सिक्योर।
मेरे को डर लग रहा है यार, सही बताऊं मजाक से हट के डर लग रहा है भाई। पर दो आयरन से तो मैं क्या ही बनाऊंगा भाई। अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई आयरन मिला है तो आयरन गोलम को काट लो उससे आयरन मिल जाएगा, पर भाई नहीं, इस टाइम पे आयरन गोलम की मुझे बहुत नीड है भाई। मैं आयरन गोलम को बिल्कुल नहीं मार सकता भाई। भाई रैंडमली आते थे भाई, मस्त आयरन गोलम को मार के आयरन निकाल लो, पर ना ना भाई इस बार ऐसा नहीं कर सकता मैं मर जाऊंगा भाई मजाक सेट के। और यहाँ पर रात हो चुकी है यार, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, बताऊं मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं जा रहा फटाफट सोने, अगली सुबह करेंगे भाई जो बात करनी है, अभी कुछ नहीं कर रहा मैं। ये वर्ल्ड कोई नॉर्मल वर्ल्ड बिल्कुल नहीं है यार। अभी देखो तुम लोग सोच रहे हो भाई वर्ल्ड में दिक्कत तो कुछ है नहीं फिलहाल, सब सुंदर सुंदर लग रहा है, पर तुम लोगों ने वो जोम्बी देखा ना अभी केव के अंदर, वो बिल्कुल सुंदर नहीं था भाई, वो बदसूरत जोम्बी था यार। वो यहाँ पर थोड़ा सा कूलर पड़ा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ फटाफट चलते हैं ना, देख के आते हैं कि उस फैक्ट्री के आसपास क्या सीन हो रखा है, और मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मेरे पास अभी आर्मर भी नहीं है भाई, कोई मुझे मिला भाई रस्ते में मार देगा मुझे वो। भाई देखो ये वही फैक्ट्री है यार, इसमें से प्लेग निकल रहा है। वो यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, मुझे खाना तो चाहिए था, मैं तो भूल ही गया था भाई, मुझे खाना भी चाहिए होगा भाई, इतना डर का माहौल है भाई, यहाँ पे खाना वाना सब भूल चुका हूँ मैं। ओके पिगीज थैंक यू वेरी मच, आई विल टेक इट, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर गिफ्ट, लेट्स गो, यू आर द लास्ट वन। और भाई क्या सही टाइम पे मुझे खाना मिला है, मेरी हेल्थ एकदम ही लो नहीं, मतलब मेरी हंगर एकदम ही खत्म हो चुका है। और यार देखो भाई क्या हो रखा है फैक्ट्री पे, भाई इसी फैक्ट्री से निकला है वो प्लेग भाई, वो फैलता जा रहा है। तुम लोग देखो फैक्ट्री के बाहर वो टेंटिकल्स देख पा रहे हो, बाहर फैल चुका है फैक्ट्री की, मतलब भाई वो पूरा एरिया खराब करने वाला है। मैं आसपास ना प्रॉपर नजर रखने वाला हूँ, कहीं से अटैक ना कर दे मुझ पे, क्योंकि इस वर्ल्ड में चारों तरफ तुम लोग देख रहे हो कहीं पर भी वो ज़ॉम्बी मिल सकते हैं। अच्छी वाली माइन थी, वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था प्लेग का, वहाँ तक तो शायद प्लेग पहुँचा भी नहीं था। मुझे लग रहा है एयर की वजह से ना, एयर में से फैलते फैलते वो प्लेग वहाँ केव तक पहुँच चुका है, मतलब वो प्लेग एयर से भी फैलता है। कोरोना वायरस हो रहा है कहते ही भाई, अद्धी होगी। मैं फैक्ट्री के बाजार क्लोज तो आ गया हूँ, पर मुझे अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखो गेट तो लग रहा है खोल सकता हूँ मैं, इस गेट को बटन बना करके ट्राई करते हैं, फटाफट से इसका बनाते हैं बटन, एंड यहाँ पे मैं इसे खोल सकता हूँ ना भाई, मैं खोल सकता हूँ क्या, मुझे खोलना चाहिए? लेट मी ट्राई भाई। ओके अंदर तो प्रेशर प्लेट है तो वापस खोल के आ जाएंगे। वो बहुत ध्यान से, ये क्या हो रहा है फैक्ट्री में, ये क्या है, व्हाट द हेक, अबे स्केल हेड, ये हड्डी मेरा बड्डी, हड्डी मेरा, अच्छा सॉरी सॉरी, ये कुछ तो है, देखो ये कुछ तो है, ये वायरस वायरस सही। और ये क्या लटक रहा है भाई, सांप सा लग रहा है ये, वो माइसीलियम इन्फेक्शन 3 भाई, इसने पॉइजन दे दिया मेरे को चोट लग रही है, तोड़ो इसे तोड़ो। वो यार यहाँ पे हर तरफ फैल चुका, ये भी सेम चीज़ है क्या, हम इसे तोड़ तो सकते हैं पर हमें मिल नहीं रही है यार। ओ भाई ये क्या चीज़ है, ये किस टाइप का लिक्विड है, मुझे लग रहा है ये केमिकल्स हैं जो निकले हैं फैक्ट्री से, और जो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था वहां से, और वो देखो कुछ तो एकदम ही इस फ्लूइड का हब है भाई, वहां से ये फ्लूइड निकल रहा है। और भाई यहाँ पे पूरा का पूरा हॉस्पिटल ना एकदम इन्फेक्टेड हो रखा है। क्या डॉक्टर भाई क्या करते रहते हो भाई, अच्छे वाले वर्ल्ड की ना तुमने एस्थेसी कर दिया। मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी तक कोई सर्वाइव तो किया नहीं होगा, सब मॉन्स्टर ही बन चुके होंगे, वो जो तुमने ज़ॉम्बी देखे थे वैसे ही। ये तो इस चीज का हब है भाई, ये क्या है, ये पेड़ है, यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मिल सकता है अपने को। मैंने तो देखा कुछ अंदर से आ रहा है, मैंने देखा कुछ अंदर से आ रहा है, ज़ॉम्बी आ रहा है अंदर से। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ भाई, ये ज़ॉम्बी आ गया अंदर से, मैं निकल रहा हूँ। खतरनाक सीन है भाई, उनकी आवाज़ देखो कितनी भयंकर है। मैं नहीं जा रहा भाई, अभी मेरे पास आर्मर नहीं है, आर्मर के नाम पे मेरे पास हड्डी है बस। यहाँ पर आयरन मिलने के चांसेस हैं क्योंकि नीचे बहुत बड़ी केव है। फटाफट से लगाएंगे यहाँ पे टॉर्चेस, और एक सेकंड रुको भाई, यहाँ पे बहुत डीप केव है। आयरन तो मिल गया, लेट्स गो, कितना आयरन है प्लीज यार, एक से ज्यादा हो, एक आयरन भाई, कम ऑन, बस एक आयरन लिटरली। मुझे बस बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, इस केव में ना कोई वायरस ना हो, रुक जा, देखना पड़ेगा मुझे कोई पीछे से एम्बुश ना कर दे। एक टॉर्च लगा देते हैं फटाफट से, पीपल जल्दी आ ऊपर, लेट्स गो। मॉन्स्टर हंटर अपने को नई एडवांसमेंट मिल चुकी है। ओ नीचे वो देखो ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी। एक सेकंड भाई, मुझे मरना नहीं है, थोड़े से मैं ब्लॉक्स कर लेता हूँ ताकि भाई ये बंदा मुझ पर अटैक ना करे। आ चुका है, ओके लेट्स गो। ओ नो, बहुत सारों ने उस पर अटैक कर दिया है, और पीछे तो कोई नहीं आ रहा ना, नहीं यही दो ना, इनको मारना पड़ेगा। और ये कुछ तो ड्रॉप कर रहे हैं, और वो म्यूटेटेड फाइबर, इन्होंने म्यूटेटेड फाइबर ड्रॉप किया है, वो क्रीपर नहीं। ओके मैं शील्ड यूज करूंगा, थैंक यू। आयरन चाहिए था यार मुझे भाई, देखो इन्होंने स्केलेटन्स को मार दिया है,
लाइक सीरियसली ब्रो, ये कौन है? नहीं नहीं, ये कौन था? ये कौन था? फेरिस क्या है अब भाई? उसने मुझे देखा, तुमने कितनी जल्दी मार दिया, और वो उड़ने वाला पक्षी था? ये कैसा मॉब है? मुझे लग रहा है जो बैट्स होती है ना केव में, वो शायद इवॉल्व हो चुकी हैं, वो म्यूटेट हो चुकी हैं, और उस वजह से भाई ये चीज़ बन के आई है। ओके, मेरा सामान ज़रूर गिर गया है उसके अंदर यार, मुझे अपना सामान चाहिए होगा। भाई ये वर्ल्ड तो बहुत खतरनाक है, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ब्रो। यार सीरियसली भाई, मेरा सामान गिर गया यार, इतना कुछ था नहीं मेरे पास, बट स्टिल भाई बस मैं चाहता हूँ, होप करता हूँ भाई वो चली गई हो। ओके नहीं, वो नहीं गई है, मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे कुछ तो है वहाँ पे, वही बैठ है वो, और मुझे ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें आ रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपना सामान लेके ना ऐसे निकलना पड़ेगा। ये क्या है? व्हाट द हेक ब्रो, ये क्या चीज़ है? ओके मेरा सामान, वो गिरा हुआ है मेरा सामान, ये बस जाना है फटाक से भागते हुए। मैं फाइट नहीं लूंगा, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, फाइट लेना ही नहीं है। नहीं, मेरी शील्ड इसके पास क्यों है? मेरी शील्ड इसके पास? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे धक्का मार दिया। नहीं नहीं, मैं मरूंगा नहीं। भाई इसने फिर से मार दिया मुझे फायरस। ओ भाई, ये बहुत खतरनाक सीन होने वाला है इस वर्ल्ड में, मुझे समझ में आ गया भाई, ये कोई नॉर्मल फन नहीं है भाई। उसने मुझे टू शॉट कर दिया, लिटरली टू शॉट, और तुम लोग देख रहे हो ज़ॉम्बी के पास मेरी शील्ड थी। ये भाई ये क्या हो रहा है? पर अच्छी बात है, मैं दोबारा जब मरा था ना, वो भी यहाँ पे आयरन था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे नीचे जाने की जरूरत ही नहीं थी। और ये देखो भाई, और वो देखो, वो ज़ॉम्बी जिसके पास मेरी शील्ड और स्वॉर्ड है, दोनों से ले गया भाई वो मेरी। मेरा सामान यहीं पड़ा हुआ है, जस्ट यहीं, थोड़ा सा भी मिल जाए यार रिकवरी हो जाएगी। सही बताऊं, मजाक छोड़ के मजे आ जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, ये क्या है? घोस्ट, ये घोस्ट ऑर्ब है? हाँ ना, ये घोस्ट ऑर्ब्स हैं। ये क्यों है यहाँ पर? थोड़ा सा सामान, नहीं नॉट द क्रीपर, पीछे हो जा। ओ नो 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 नो, मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है, एकदम अंधेरा हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे आयरन जरूर पड़ा है, ये ले लेते हैं। अबे नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों ले रहा हूँ आयरन? मुझे मरना है क्या? आई एम जस्ट लीविंग भाई, जितना मिल गया उतना बहुत है, मैं निकल रहा हूँ भाई। प्लीज़ मारना मत, मैं घर जा रहा हूँ, प्लीज़ मारना मत। मजाक सेट की भाई, यहाँ पे मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मुझे बस 2 मिनट, तो मैं फटाफट से ना आयरन कलेक्ट करके मिलता हूँ बस 2 मिनट के अंदर। तो अच्छे से नीचे कवर कर देता हूँ, क्योंकि भाई हमारा लास्ट आयरन है, अगर ये भी नीचे गिरता है तो भाई फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ पे आयरन माइन करना भी ना इतना मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या बताऊँ भाई। मजाक सेट के भाई, ये बहुत मुश्किल है। ओके, आई थिंक हम वुड से आयरन नहीं तोड़ सकते, सॉरी मैं भूल गया था मेरे दोस्तों, आई एम सॉरी। मैं बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट, मैं भूल चुका हूँ माइनक्राफ्ट कैसे खेलते हैं। आई एम टोटली ब्लाइंड भाई दिमाग से, क्योंकि मैं वुड की पिकैक्स से मैंने आयरन क्यों तोड़ा मुझे नहीं पता भाई। मैं बाद में आके भी इसे ले सकता था, पर बहुत टाइम बाद खेलने का ये नतीजा होता है, और वो भी इतना मुश्किल चीज़ भाई, और वो भी इतना खतरनाक वर्ल्ड के अंदर। तो भाई रिकवरी के नाम पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, एक आयरन मिला है, एक रॉ आयरन मिला है। यहाँ पे फटाफट से मॉर्निंग करते हैं, क्योंकि रात में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला यहाँ पे। पता नहीं किसी तो मॉब ने मुझे मार दिया, उड़ने वाला पक्षी शायद बैट थी वो केव की, मैं तो बताया था वही इवॉल्व हुई होगी, क्योंकि और तो कोई केव में ऐसा बंदा होता नहीं है। आयरन गोलम यहाँ पे फंसा हुआ है, ये रे भाई, अबे इधर है ना, अबे नीचे जा भाई, अरे मार ही देगा के, अरे यार सभी मार देंगे इस बार तो मुझे। भाई अपना आयरन गोलम यहाँ क्यों फंस गया है? अरे यार अगर ये बंदा यहाँ फंसेगा तो ये ज़ॉम्बी इसको मारेगा कैसे, और अगर ये यहाँ फंसा रहेगा तो नया गोलम स्पॉन भी नहीं होगा, मुझे इस बंदे को मारना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तुम सोच रहे हो भाई आयरन ढूंढने के नए नए बहाने बना रहा है, बहाने नहीं बना रहा हूँ भाई, मुझे मारना ही पड़ेगा उसे। अच्छी बात है मेरा फूड नहीं गया, कुछ भी करके बस फूड बच गया, वही बहुत है। पर फटाफट से काम करते हैं, इस आयरन गोलम से थोड़ा सा आयरन निकालते हैं, क्योंकि अभी आयरन गोलम आई थिंक यूजलेस ही हो गया है, किसी काम का तो है नहीं है। अगर ये बंदा ऊपर ना जाए तो इसको पहले मैं यहाँ से कवर कर लेता हूँ, सेफ्टी फर्स्ट, एंड देन उसके बाद हम लोग फटाफट से निकालते हैं आयरन थोड़ा सा। देख भाई माफ करना, पर तू इस टाइम यहाँ पे फंसा हुआ रहेगा तो तू मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तुझे मारना ही पड़ेगा। और सॉरी यार, मैं हूँ तेरी सिक्योरिटी के लिए, तू डर क्यों रहा है? मुझे पता है तू इससे डर गया है, वो प्लेग से तू डर रहा है मुझे पता है, पर चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं हूँ तेरे साथ। भाई बंदा कैसे बचा रहा है उसको, मैं मारूं कैसे भाई, मुझे से देख रहा है भाई ये बंदा, हद है, मतलब इमोशनल डैमेज कर रहे हैं भाई ये लोग। देखो केव में आयरन माइन करना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं जा रहा केव के अंदर, नो मुझे ऐसे ही मारना पड़ेगा इन्हें। एक बनाते हैं शील्ड, क्योंकि शील्ड बनाना बहुत जरूरी है। आई नो लास्ट टाइम पे मैं शील्ड यूज कर ही नहीं पाया था,
पर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई, बहुत हॉरिफिक था भाई वो चीज़, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता भाई, अनएक्सप्लेनेबल है भाई वो चीज़। यहाँ पे हमारा सेकेंड डे है और यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ कि वायरस का क्या अपडेट है, कितनी तेज़ी से वो फैल रहा है, कहाँ तक आया है, और मुझे भाई ध्यान देना पड़ेगा। अके ये मॉब्स वगैरह तो शायद नहीं हुए हैं यहाँ तक, तो फिर नहीं आया है प्लेग। अच्छी बात है भाई हमारे लिए कि वो फैक्ट्री से अभी बाहर नहीं निकला है, शायद ये अभी सिर्फ एयर में फैल रहा है, ग्राउंड पे नहीं फैल रहा है, इसीलिए वो ज़ॉम्बीज वगैरह बन रहे हैं केव के अंदर, पर यहाँ पे कुछ बाहर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बस इतना ही लिमिटेड है ये। ओ नो 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 नो, इन्फेक्शन इन्फेक्शन, नो नो नो, इसके अंदर ही एंटीडोट हुआ अगर इस इन्फेक्शन का, तो फिर वो वाला ज़ॉम्बी आ रहा है, म्यूटेड ज़ॉम्बी, म्यूटेटेड ज़ॉम्बी आ गया भाई। ये फास्ट है, ये फास्ट है, सुपर फास्ट है भाई। उन्होंने मेरा डैमेज, वो डैमेज लगा, उन्होंने देखा भाई वो बंदा डैश करके आया मुझ पर, डैश करके मुझे नहीं पता शायद वो लैग था क्या था पाल, पर भाई उस बंदे ने डैश किया है मेरे को, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है भाई सीन, मजाक सेट के निकल रहा भाई यहाँ से, मैं जा रहा हूँ भाई। उस बंदे ने मुझे ऑलमोस्ट मार दिया था, मतलब एकदम ही सरप्राइज था यार वो चीज, एकदम ही वो इतना फास्ट आ जाएगा अचानक से, मुझे लगा उसने स्पीड अप किया है, मुझे पक्का लग रहा है भाई उसने स्पीड अप किया है, क्योंकि नॉर्मल इतनी तेज ज़ॉम्बी नहीं चलते हैं यार। तो भाई यहाँ पर ना अभी इस वर्ल्ड के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, मेरे पास बिल्कुल आयरन नहीं है, और आयरन लेने जाने के लिए केव में बहुत ज्यादा खतरा है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जितने भी गोलम स्पॉन होते रहेंगे ना, मैं उनको माइन करने वाला हूँ। तो भाई अगर तुम देखना चाहते हो भाई इस फैक्ट्री के अंदर क्या है, और वो इन्फेक्शन कैसे पहुंचने वाला है, और कितने दिन के अंदर उस विलेज में पहुंच जाएगा, तुम लोग वीडियो को फटाफट से लाइक करो। हम लोग अगली बार फुल आर्मर के साथ जाएंगे उस फैक्ट्री के अंदर और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कैसे ये प्लेग फैला था, और मुझे तुम कमेंट में बताना कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे मैं इस प्लेग से बच सकूं, और मुझे इसका एंटीडोट भी ढूंढना पड़ेगा। तो तब तक के लिए तो मैं मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।